किनके बारे में? शुद्र ग्रह एक पढ़ेंगे, किसके बारे में? धूम केतु, अब धूम केतु, और फिर हम लोग पढ़ेंगे उल्का के बारे में, उल्का पिंड, उल्का पिंड के बारे में, ठीक है? उल्का पिंड इस जगह पर कितने के बारे में बातें करनी है? तीन के बारे में, ठीक है? एक पढ़ेंगे किसके बारे में? शुद्र ग्रह, एक क्या चीज है? धूम केतु, और एक क्या चीज है? उल्का पिंड, ठीक है? आज हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा जो टॉपिक है हमको पढ़ने लायक है। देख, तो सबसे पहले आते हैं कहां पर हम लोग? शुद्र ग्रह के पास में। शुद्र ग्रह जो होती है वो किनके किनके कक्षाओं के बीच में पाई जाती है? तो दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, ठीक है? जो कि एक का नाम क्या चीज है? मंगल है, और एक का नाम क्या चीज है? बृहस्पति। क्या चीज है? मंगल और बृहस्पति, और इसी के बीच में जो पाई जाती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? क्षुद्र ग्रह। क्या चीज बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह, ठीक है? और ये जो क्षुद्र ग्रह होता है इसको कौन कौन से ग्रहों में बांटता है? दो भागों में, एक हो गया आंतरिक ग्रह और एक हो गया बाह्य ग्रह। क्योंकि इसके पीछे मेरे पास कई ठो ग्रह है, चार ठो, और इसके पीछे भी कितने ग्रह है? चार ग्रह है, ठीक है? जो कि इधर कौन कौन नाम हो जाएंगे? एक हो जाएगा बुध, एक शुक्र, और एक पृथ्वी, और एक क्या चीज हो जाएगा? मंगल। लेकिन इसकी और बातें करें तो एक क्या होगा? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, चार होंगे कि नहीं? तो अगर ये ना होता तो क्या इसको दो भागों में बांटते क्या? नहीं। तो इसका नाम कौन सा ग्रह है? क्षुद्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? क्षुद्र ग्रह, ठीक है? चलिए, अब यहां से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, ठीक है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह उसका जो नाम है वो आपका हो जाता है सेरस। क्या चीज होता है? सेरस, नाम याद रखिएगा, ठीक है? ये जो क्षुद्र ग्रह है वो इनमें से सबसे बड़ा, ठीक है? और यहां पर कोई आपको जानने वाली बातें नहीं है, पूछ देगा कि जो ग्रहें होती है, कौन सा ग्रह? क्षुद्र ग्रह, वो किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो एक का नाम है मंगल और एक का नाम क्या चीज है? बृहस्पति। इनके बीच में पाई जाती है। अब हम लोग आते हैं किनके पास में? धूम केतु के पास में। किनके पास आते हैं? धूम केतु। धूम केतु का सबसे खराब आदत क्या है मालूम है? कि ये बहुत सालों के बाद में दिखाई देते हैं। कितने वर्षों के बाद दिखाई देती है? 86 वर्ष के बाद में। मतलब अगर इसको देखना है तो कितने वर्षों के बाद देखेंगे? 86 वर्ष के बाद। इसको सबसे पहले देखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हेली, ठीक है? क्या चीज था? हेली, जो सबसे पहले इसको क्या चीज किए थे? देखे थे या खोजे थे। और पहली बार इसको जब देखा कब गया था? 1986 में, ठीक है? कब देखा गया था? 1986 में। और अब देखने की कब संभावना है? 2000 कितना है? 62। कितना है? 2062। यानी कितने वर्षों में दिखाई देती है? 76 वर्षों में दिखाई देने की संभावना है। कितने वर्षों में? 76 वर्षों में। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर इन दोनों को अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पर, तो यानी कि एक ऐसा मतलब धूम केतु ऐसे होते हैं जो कितने वर्षों के बाद दिखाई देते हैं? 76 वर्षों में। तो पहली बार देखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? हेली। कब देखा गया था? 1986। और कब देखने की संभावना है? 2062। क्योंकि अभी तक तो हम लोग उस जगह तक पहुंचे नहीं ना जी, अब पहुंचेंगे, अब देखो तो जिंदा रहे तो हम लोग भी देखेंगे कैसा होता है धूम केतु, ठीक है? अब बोलता है धूम केतु का आकृति कैसा होता है? बोलते एकदम पूंछ जैसा होता है। कैसे होता है? पूंछ जैसा, ऐसे करके, ठीक है? ऐसे आपके बुक में पिक्चर भी बनाया होगा। बोलता है कि पीछे साइड पूंछ ऐसी आकृति होती है और आगे ऐसे चमकीला सा हिस्सा होता है, ठीक है? और इसी को क्या चीज बोलते हैं हम लोग? धूम केतु के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अगला जो है वो पढ़ना किनके बारे में? उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड को हम लोग कौन सा तारा बोलते हैं? टूटा तारा। क्या जी बोलते हैं? टूटता, टूटता तारा। नहीं, बचपन में तो हम लोग रात्रि में जब सोते थे तो ये एक कौन सा है? उल्का पिंड। और उल्का पिंड की सबसे अच्छी बातें होती है कि रात में आपको दिखाई देगी और साथ में आपको एकदम कम से कम टाइम के लिए दिखाई देगा। बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि जब ऐसी स्थिति हो तो आंख बंद करके जो चीज मांगना हो मांग सकते हैं, आपकी पूरी हो जाती है। नहीं, हम लोग बचपन में मांगते थे और बड़ी डेंजर डेंजर चीज मांगते थे, आज तक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है? क्या आप लोग कभी मांगे? नहीं मांगे, नहीं मांगे,
तो देखें नहीं देखें हाँ। तो आपको सिर्फ इसके बारे में इतनी सी बातें जानना थी। उल्का पिंड से जल्दी क्वेश्चन आती नहीं है। सिर्फ उल्का पिंड को किस किस नाम से जाना जाता है? टूटा तारा। कौन सा? टूटा तारा। ठीक है चलिए। तो अभी तक हम लोग किनके किनके बारे में पढ़े? फर्स्ट में किन के बारे में था? क्षुद्र ग्रह। सेकेंड में किन के बारे में था? धूमकेतु। थर्ड में किन के बारे में था? उल्का पिंड। जो आपका धूमकेतु है, कौन सा? धूमकेतु। धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देती है? 76 वर्ष में, जो कि आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ठीक है चलिए। इसके बाद हल्की से हम लोग जानकारी रखते हैं उपग्रह के बारे में। किन के बारे में? उपग्रह। चलो इधर ध्यान दो। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? उपग्रह। उपग्रह इसका परिभाषा क्या होगा कि जो जो किनका चक्कर लगाए? ग्रह का चक्कर लगाए। जो ग्रह का चक्कर लगाए, क्या लगाए? ग्रह का चक्कर लगाए, उसको हम लोग क्या जी बोलते हैं बाबू? उपग्रह। क्या बोलते हैं? उपग्रह। ये जो उपग्रह होती है इसको कितने भागों में बांटी गई है? दो भागों में। कितने भागों में बांटी गई है? दो। प्राकृतिक उपग्रह और एक होती है, और एक हम लोग का होता है मानव निर्मित उपग्रह। इसका मतलब क्या चीज होता है? चलो ध्यान देते हैं। मान लो कि मेरा एक पृथ्वी है। मेरा एक क्या चीज है? पृथ्वी। इस पृथ्वी के बाहरी कक्ष में एक ठो उपग्रह हम लोग का घूम रहा है और उसका नाम है क्या चीज? चांद है। क्या चीज है? चंद्रमा। क्या इसको हम लोग भेजे हैं क्या? नहीं, ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या चीज कर रही है? घूम रही है। तो ये किस प्रकार का उपग्रह हो जाएगा आपका? प्राकृतिक उपग्रह, क्योंकि इसमें हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्या प्राकृतिक उपग्रह को हम लोग भेजते हैं क्या? नहीं। लेकिन इस पृथ्वी को समझने के लिए, इस पृथ्वी को जानने के लिए, आप सोचो हमको ऊपर भेज देगा कि हम चारों ओर घूमेंगे तब पता करें, अच्छा यहाँ गड्ढा है, यहाँ ऊंचा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर में भेजते हैं क्या चीज? मशीन भेजते हैं। क्या भेजते हैं? मशीन। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट होता है, जैसे ही हम पृथ्वी से ऊपर भेजते हैं तो वो बाहर में जाके ये भी पृथ्वी के चारों ओर क्या करते रहता है? घूमते रहता है। और साथ में यहाँ की सारी जो जानकारी होती है, यानी कि पृथ्वी की जो जानकारी होती है, वो यहाँ से देखता है और फिर हम लोग को भेजता है। और इसी से हम लोग को मालूम चलता है कि कल से बारिश होने वाला है, समझे? इसी से मालूम चलता है कि मौसम खराब होने वाली है। नहीं दिखता है कि अभी हम लोग पहले से पता कर लेते हैं, अगल बगल का जो लोग है पहले से बोलने लगता, अरे दीपावली में पानी है, दीपावली में पानी है। तो कैसे? तो इसी के माध्यम से ये हम लोग को फोरकास्ट करके बतलाता है, भविष्यवाणी करके बतलाते है। जो कि भारत का पहला जो उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या जो नाम था? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। आपको बतला दें कि जितने हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर जो भी चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये सारे कुछ इन लोग कंट्रोल करता है, हर कुछ। ठीक है, सबके लिए अलग अलग में भेजा गया, सिग्नल के लिए अलग है, मौसम के लिए अलग है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग भेजे गए, जो कि हमारे अर्थ को पढ़ता है, फिर वहां की जानकारी हम लोग को देते रहता है, और साथ में हम लोग भी अपना जो कुछ भी है जो जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त करते जाते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि मेरे पास क्या चीज है? उपग्रह। इसको कितने भागों में बांटी गई है? दो भागों में। ठीक है, एक का नाम क्या चीज है? प्राकृतिक उपग्रह, और एक का नाम क्या चीज है? मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, समझ गया। चलो आपका जो पाठ है लगभग क्या है बाबू? एंड हो गया है।